इससे पहले एक और बड़ी खबर, कंधार में दिखा तालिबान के क्रूर शासन का ट्रेलर। यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक शख्स को जिंदा लटका दिया। फिल्मी स्टाइल में एक हेलीकॉप्टर से एक शख्स को आसमान में लटका कर सजा दी गई, और वो शख्स देखिए कैसे लटकता हुआ। युवक पर लगाया अमेरिका की मदद का आरोप, और फिर कैसे उस शख्स को अमेरिकी सेना के लिए ट्रांसलेटर का काम करने की क्या सजा दी गई, आप देखिए। ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर, ये शख्स अमेरिका का मददगार, और तालिबान ने जिसको जिस अमन की बात कही थी, जिस आजादी की बात कही, जिस मुआफी की बात कही सबको, वो सामने स्क्रीन पर। पहला दिन है जब अमेरिकी फोर्सेस निकली हैं अफगानिस्तान से, और पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो तालिबान का आपके सामने है। कंधार की ये तस्वीरें हैं, और इसके बाद मैं रशीदा सियाल आपके पास आऊंगा। रशीदा सियाल, ये तस्वीरें देखने के बाद आपको लगता है कि यही वो अमन है, यही वो हक और हुकूक है जो तालिबानी देने की बात कर रहे हैं अफगानियों को? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि वो बड़े फ्रैक्चर्ड हैं और वो बड़े इलिटरेट हैं, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। अगर आप तालिबान के जो तीन चार मेन उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने जब टेक ओवर किया है काबुल को, और उसके बाद जो उनका नैरेटिव हमारे सामने आया है, उसको देखें तो वो बड़ा पॉजिटिव है। स्पेशली उसमें तीन चार पॉइंट्स जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ। पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने ड्रग्स की बात की है कि वो ड्रग्स को नहीं होने देंगे अफगानिस्तान को, उससे पॉपी कल्टिवेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले बहुत ज्यादा वहां पर थी, और ड्रग्स का एक जो धंधा था उससे वो अफगानिस्तान को रखेंगे। दूसरा उनका जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं, तालिबान के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने बारहा इस बात को कहा है कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है, जो सरजमीन है, वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत। जी, मैं आपके साथ पहली बार शो कर रहा हूं, लेकिन बीच में टोकना पड़ेगा, मैं नहीं टोकना चाहता था आपको। वो बोल तो बहुत कुछ रहे, लेकिन ये विजुअल्स क्या दिखा रहे हैं आपको? ये वही प्रोग्रेसिव टॉक, प्रोग्रेसिव इंटेंशन आपको इन विजुअल्स में दिख रहा है? ये आसमान से हेलीकॉप्टर से एक शख्स को लटका दिया जाए, और ये बड़े प्रोग्रेसिव सिग्नल्स हैं? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे अपने पैनलिस्ट के पास जाना, लेकिन प्लीज कंप्लीट कीजिए आप। क्या ऐसे विजुअल्स हमें हिंदुस्तान से नहीं आए? आपको याद होगा अभी कुछ ही अरसा पहले हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमानों के घरों को जलाया गया? क्या ऐसे विजुअल्स हमें कश्मीर से नहीं आते? क्या बात कर रही हैं? अब आप तालिबान को हिंदुस्तान से कंपेयर कर रही हैं? मतलब आप यहाँ सोच कर बैठी हैं कि आपको कोई भी आंखें खोलकर विजुअल्स नहीं देखने, इंसानियत की कसौटी पर किसी को कुछ नहीं कसना, बस क्योंकि तालिबान को डिफेंड करना है तो कोई भी कमेंट करो। आप इस बात को देखिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को किस तरीके से हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया और किन कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल किया। वहां पर जो कॉन्सुलेट्स बनाए हुए थे, कॉन्सुलेट्स तो नहीं थे वो, तो रॉ के हेडक्वार्टर्स थे, उनको आपने यूज किया अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट चाइना। okay. और अभी जब आपकी आईएसआई क्या वहां करवा रही थी? आईएसआई लोगों के लिए वहां समाज सेवा के कैंप लगवा रही थी? आईएसआई ने तालिबान को ट्रेनिंग इसलिए दी ताकि वो अमन के पैगाम लाए, इस तरह की यहाँ पर लोगों के लिए अमन लेकर आए अफगानिस्तान में? आईएसआई ने तालिबान को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ये मैं आपको क्लियर करके मैं आपको अभी प्रूव करता हूं। मेरे साथ सुमित, मैं आ रहा हूं अफगानिस्तान से, हमारे साथ आई हुई एक वहां पर नागरिक है, मैं अफगानी है, उनकी नागरिकता अफगानी है, डॉक्टर इंद्रजीत कौर। ये कह रही है कि आईएसआई ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, पाकिस्तान ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, तो इन्होंने दी होगी। ये जो 20 साल पहले तालिबान आए थे, उन्होंने क्या एक्शन दिखाया था, क्या करके दिखाया था अफगानिस्तान के लोगों को? तो आईएसआई नहीं थे तो और कौन था? अभी जब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं ये? कहाँ से, आसमान से आ गए? किसी और देश में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, आईएसआई इनको हिंदुस्तान में उसको क्यों इन्वॉल्व करती है? हिंदुस्तान से मान गए, बात सुन बेटा, हिंदुस्तान अफगानियों का दूसरा घर है। हिंदुस्तान हो देश है जिसने हमें रिफ्यूजी रखा, हमको असला नहीं दिया, हमको नशा नहीं दिया। आप क्या बात कर रही हैं? आप बात सुन रही हैं? प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, क्या कह रही तू? आपको किसने बुलाया? ये ऐसी बात तो कैसे कर रही है? वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं पाकिस्तान से, और आए पाकिस्तान से, और परवरिश उनकी पाकिस्तान के कैंप में हुई है। बेटा मैं तो 3 महीने पहले आई हूँ अपने देश से, तो कहाँ से बात कर रही है? हमें क्या था लोके हिंदुस्तान ने हमारी जमीन किसने इस्तेमाल की है? परवरिश उनकी वहीं पर होती है, ये बीच में और देशों को क्यों इन्वॉल्व करती है? हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या बुरा किया है? हमारे बच्चों को यहाँ स्टडी दी है, अभी भी हिंदुस्तान में हमारे 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
मैं वहाँ काम करती हूँ, नौकरी मेरी वहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रही है ना, पाकिस्तान से वीजा, पाकिस्तान ने क्या बुरा किया? पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया। तुम्हें क्या पता, तुम जब अफगानिस्तान जाए के बैठे ना। रशीदा सियाल और डॉक्टर इंद्रजीत कौर, एक मिनट, मैं जीडी बख्शी साहब, आपके पास फिर सुमित आपके पास, जीडी बख्शी साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं हमारी पाकिस्तानी रशीदा बिटिया से पूछना चाहता हूँ, बेटा क्या तुम काबुल में जाकर रहना चाहोगी? आई आस्क यू, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एज अ डॉटर, क्या आप काबुल में रहना चाहेंगी तालिबान के नीचे, जो आप अफगान लोगों, अफगान औरतों को करा रही हैं? यू लुक लाइक अ मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन, आप रहेंगे? मैंने नहीं करना है ना, आपने करना है बख्शी साहब, इसका फैसला अफगानों ने करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अफगानियों से पूछा ही किसने, हुकूमत करनी है, इसका फैसला ना मैंने करना है ना आपने। किसी भी देश का मुस्तकबिल उन देश के लोगों को लिखना है रशीदा, लेकिन उन लोगों से पूछा किसने? गोली के दम पर, बंदूक के दम पर आप सत्ता में आ गए, उनसे पूछो तब तो वो बताएं अपने दिल की बात। आपके सामने एक यहाँ पर अफगानी माइनॉरिटीज से, जो वहाँ माइनॉरिटीज में है, वो बैठी हैं, साफ कह रही हैं वहाँ पर कि वहाँ उन लोगों को काम करने की इजाज़त नहीं है। आप कह रही हैं अफगानियों को ये तय करना है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।